नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। सुबह समाचार में हम आपको दिखाएंगे अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां पर पुलिस की फायरिंग से एक युवक के मारे जाने की खबर है। वहीं दूसरे की स्थिति नाजुक है। बताया जाता है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर गोल डाकघर के पास शनिवार की देर रात बाइकर्स स्टंट कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उधर से पथराव शुरू कर दिया गया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और दो युवकों को गोली लगी, जिसमें एक की जान चली गई है, दूसरे को आरएमएल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की फायरिंग में युवक के मारे जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के बड़े अफसर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से इशारा जरूर किया गया है कि जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करनी पड़ी। 800 से ज्यादा बातचीत के लिए आरएमएल अस्पताल के बाहर से हमारी संवाददाता खुशबू हमारे साथ जुड़ गई है। खुशबू, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जो युवक घायल हुआ है उसकी स्थिति क्या है, और दूसरा ये कि पहले तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती और अगर कार्रवाई करती है तो सीधे सीधे फायरिंग, क्या कह रहे हैं अधिकारी? जी, इस पूरे मामले में अभी तक जो अधिकारी हैं कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि जो युवक है जिसका नाम करण है, करण, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन जो पुनीत है वो अभी भी गंभीर रूप से घायल है। हालांकि अब जो डॉक्टर्स हैं वो भी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, सब कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि कुछ दिन पहले की घटना थी जब बाइकर्स दिल्ली की सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे थे और पुलिस उनके सामने बेबस थी, लेकिन उसके बाद ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से फायरिंग करना वाकई एक बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग स्टंट कर रहे थे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुके, तो इसके बाद उन्होंने फायरिंग की जिसकी वजह से एक युवक की मौत हो गई। एक बात और जो सामने आई है वो ये है कि किसी को भी अगर ट्रैफिक रूल तोड़ने की वजह से फायरिंग करते हैं, दिल्ली का वीवीआईपी एरिया है गोल डाकखाना, वहां पर पुलिस ने उन्हें चेस किया वहां तक और उसके बाद फायरिंग की, लेकिन पुलिस जो है अभी तक कुछ भी बोलने से बच रही है। जी बिल्कुल खुशबू, पहले जब इससे पहले बाइकर्स इस तरह से सड़कों पर निकलते थे, रात को हुड़दंग मचाया जाता था, एक बार नहीं कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, तब तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर इस बार दबाव में आकर पुलिस कार्रवाई करने निकलती भी है तो कोई बड़े अपराधी नहीं थे, कोई बदमाश नहीं थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जो सीधे सीधे पुलिस फायरिंग करे। इस पर अधिकारियों की जवाबदेही भी बनती है। ये तो जरूर माना गया है कि पथराव हुआ तो फायरिंग करनी पड़ी। जी, क्योंकि एक बात जो साफ है वो ये है कि कई सारे टीवी चैनल्स ने, सबने, हमने भी इवन ये सवाल उठाया था कि पुलिस बेबस है हुड़दंगों के सामने, जो स्टंटबाज हैं उनके सामने पुलिस बेबस नजर आई, किसी तरह की कार्रवाई नहीं करती, रात भर जो स्टंटमैन है वो दहशत फैलाता है दिल्ली की सड़कों पर, उसको लेकर काफी तरह का दबाव था, लेकिन उस दबाव के चलते गोलीबारी करना या फिर फायरिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी शनिवार की रात और इतवार की रात को दिल्ली की सड़कों पर हैवी बैरिकेडिंग करते हैं, काफी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं ताकि इस तरह की हरकत ना हो पाए, लेकिन इस तरह की हरकत को रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो लोग कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल या फिर आतंकवादी नहीं थे, बल्कि स्टूडेंट थे, मालवीय नगर के दोनों छात्र थे, और उन लोगों के साथ, छात्रों के साथ इस तरह की हरकत करना तो वाकई पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं। कानून तोड़ा है और अब इस पर बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। अधिकारी साफ तौर पर कुछ कह नहीं रहे। पुलिस की अब जवाबदेही जब बनती है तो पुलिस चुप है, खामोश है। अब जानना चाहेंगे जो युवक अस्पताल में भर्ती है उसके परिवार वाले वहां पहुंचे होंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, अभी तक परिवार वाले यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पुलिस ने उन्हें इन्फॉर्मेशन ना दी हो, सूचना नहीं दी हो, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी या कोई भी अधिकारी अभी तक मामले में बच रहे हैं बोलने से, मीडिया को साफ साफ तौर पर जानकारी नहीं देना चाह रहा है। हालांकि जहां का ये मौका है, वारदात पर भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची हुई है और वो जांच रही है कि आखिर क्या वजह थी, लेकिन जो युवक है जिसकी मौत हुई है, दूसरा जो गंभीर रूप से घायल है, उसके परिवार वाले यहां पर नहीं मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रचना जो आता है वो ये है कि कानून के रखवाले ही अगर कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो कहां तक
आम आदमी सुरक्षित है, क्योंकि आम आदमी उम्मीद करेगा भी किससे। कानून के रखवालों ने खुद नियम तोड़े हैं, खुद कानून तोड़े हैं, लेकिन अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो शायद खामोशी बेहतर लगती है। शुक्रिया खुशबू ये जानकारी हम तक पहुंचाने के।